आज हम देखेंगे कंपेटिटर एनालिसिस। मैं लास्ट टाइम कीवर्ड एनालिसिस किया था। कीवर्ड्स एनालिसिस के लिए हम टॉप 10 हाई रेवेन्यू या हाई रिव्यूज वाले सेलर्स लेते हैं और उनके हम कीवर्ड्स निकाल लेते हैं रिवर्स एसिंग करके। उसके बाद हम उसकी उन कीवर्ड्स पर उनकी रेलिवेंसी चेक करते हैं और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स काउंट करते हैं और हम कीवर्ड इंडेक्स ऑन एसिंग चेक करते हैं, परसेंटेज चेक करते हैं, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, मैग्नेट के कीवर्ड भी हम यूज़ कर लेते हैं। और हमने कहा था कि कोई हमारे पास 50 to 70 अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए, रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स की हमने बात देख ली थी। आज हम देखेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, आपने कीवर्ड्स निकाल ली, अच्छे कीवर्ड्स निकाल ली, उसके बाद आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके कॉम्पिटिटर कौन से होंगे और आप कंपेटिटर्स किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे। एक दो पॉइंट्स हैं इसके अंदर अभी कंपेटिटर एनालिसिस से पहले, ये कि हम एक तो रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और अपॉर्चुनिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे। रिस्क फैक्टर को हम देख लेते हैं इस तरह से, जब हम लिख लेते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर की आप सिंपल डेफिनेशन देख लें, क्या होगी डेफिनेशन के ये जो आपकी परसेंटेज आ रही है, इसको हम अगर कंप्लीट निकालें सबकी परसेंटेज सबका हम कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम और परसेंटेज निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि रिस्क फैक्टर किन कॉम्पिटिटर्स के साथ जाएंगे तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा, या किस प्रोडक्ट में रिस्क फैक्टर कम होगा और वो किस स्पेस पे कम होगा या ज़्यादा होगा। ये हमने निकाल लिया। अब रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन ही है, सिंपली आप यहाँ पे नोट कर लें कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर परसेंटेज
हमें बता रही है कि परसेंटेज का मतलब है कि इन सेलर्स ने या इन टॉप के कंपेटिटर्स ने, इन टॉप के सेलर्स ने कितने परसेंट कीवर्ड यूज किए हुए हैं। कीवर्ड्स यूज किए हुए इन्होंने 100%, 11%, 22%। इसमें हम देखेंगे कि 70% से ऊपर कितने आ रहे हैं, ये परसेंटेज 70% से ऊपर वाले कितने आ रहे हैं, वो हमारे हो जाएंगे टफ कंपेटिटर्स। ठीक है, 70% से ऊपर वाले कि उन्होंने 70% कीवर्ड यूज किए हुए हैं, उन कीवर्ड्स पर रैंक होने के लिए हमें उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा बिडिंग करके पीपीसी के थ्रू, वो हमारे हो जाएंगे टफ कंपेटिटर्स। ठीक है, उसके बाद जो 40 से 70% वाले होंगे वो आपके पास कौन से हो जाएंगे, इंटरमीडिएट कंपेटिटर्स हो जाएंगे। और जो 40 से नीचे कर लें, या आप 30 से, हाँ, 0 से लेके 40 तक कर लें, उनको आप कह लें कि वो आपके इजी कंपेटिटर्स हो जाएंगे, या जो आपके स्टार्ट के कंपेटिटर्स होते हैं जिनको आपने कम्पीट करना होता है। इन अच्छा बेसिस हाँ पर आपका रिस्क फैक्टर किस बेस पे आपका आ रहा होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 5 टफ कंपेटिटर्स आ रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 5 टफ कंपेटिटर्स आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के अंदर जाने में रिस्क है, आपके आप पीपीसी का स्पेंड या आपकी रैंकिंग का बजट ज़्यादा लग जाएगा। क्लियर है? जिस प्रोडक्ट के अंदर मोर देन 5 टफ कंपेटिटर्स आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर जाने में रिस्क है और आपको उस पर रैंक होने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह इसके अंदर अगर हम कलरिंग भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास टफ कंपेटिटर्स हैं, सिंपली अगर हम इनके सिर्फ यही चीज़ करें। अच्छा हाँ जी, 70% से अबव वाले टफ हैं, इसमें सिर्फ एक टफ कंपेटिटर है, इसको मैं कलर कर लेता हूँ। एक 42-70 इंटरमीडिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये 42-70 वाले हैं, इसका कोई और कलर दे दें। हाँ जी, नॉर्मल कंपेटिटर्स कह लें इनको। अच्छा, उसके बाद ये 0-40 वाले बाकी बच जाते हैं, तो इसको आप कलर कर लें। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन कितना ज्यादा है। कैसे अंदाजा होगा? अब ये देखें, इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं, एक सिर्फ टफ कंपेटिटर आ रहा है जो सब कीवर्ड्स पर रैंक है। ठीक है, मतलब हमें दूसरी पोजीशन पर या तीसरी पोजीशन पर टॉप 10 के अंदर अगर रैंकिंग की बात करें तो सिर्फ एक है जिससे हमारा मुकाबला ज्यादा सख्त है। ठीक है, सिर्फ एक है जिससे कंपटीशन ज्यादा टफ है और जो सब कीवर्ड्स पर रैंक्ड है और जो मेन कीवर्ड्स पर भी रैंक है सब, और लो सर्च वाली है, मिड टेल कीवर्ड सब पर रैंक है, और टोटल जितने भी हमने कीवर्ड निकाले उन पर रैंक है, इसको कम्पीट करना मुश्किल होगा कि जिस रैंक पे ये बैठा है इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी हम देखें तो हमारे पास 11%, 22%, 6% वाले कॉम्पिटिटर्स भी हैं, उन पर हम उनको हम कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि वो कम कीवर्ड्स पर रैंक है जिन कीवर्ड्स पर वो रैंक है, और वो कीवर्ड इसके अलावा वो कीवर्ड जिन पर आपका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, जिन पर ये रैंक हैं और जो इनके अलावा इससे लो कीवर्ड्स हैं, आप उन पर रैंक करके इनको कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद लो वाले आ जाएंगे। सबसे पहले हम लो वालों को टारगेट करेंगे, मतलब लो सर्च वॉल्यूम या वाले कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, उन पे रैंक हो जाएंगे। फिर हम इंटरमीडिएट कंपेटिटर्स को टारगेट करेंगे, फाइनली हम फिर टफ कंपेटिटर को टारगेट करेंगे। इससे हमें ये रिस्क फैक्टर के अंदर क्या हुआ कि आप यहाँ पे लिख लें कि अगर आपके पास परसेंटेज आती है मोर देन 70, मोर देन 70% के लिए आप, मोर देन 70 हो जाएंगे आपके पास टफ कंपेटिटर। और इसके बाद यहीं पे आप आगे लिख लें, डेफिनेशन ही लिखनी है किस्म की, और यहाँ पर आप लिख लें 42,
70% वाले हो जाएंगे आपके पास इंटरमीडिएट। और लास्ट आपके पास हो जाएंगे 0 to 40% वाले नॉर्मल, कह लेंगे इसको नॉर्मल, कैसे कह लें इसको, कोई भी नेम दे लें, इजी कॉम्पेटिटर्स भी कह सकते हैं इनको। ये आपके पास क्राइटेरिया आ गया, इसको अगर हमने ये तो क्राइटेरिया आ गया, इसको हमने लिखना है कि किस तरह से होगा। आपने उस प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लें, इफ टफ आर मोर देन 5 then there is risk in launching this product। ठीक है, आपका कंपटीशन टफ है, आपके पीपीसी का स्पेंड ज्यादा होगा, आपको रैंकिंग में मुश्किल होगी, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम इधर से भी कंपटीशन चेक करेंगे। सिर्फ यही नहीं होता कि आपने प्रोडक्ट निकाल ली, उसके हीलियम 10 के स्टैट्स, पहले तो वही निकालें ना आप वो निकालें, उसके बाद हीलियम 10 के टॉप 10 के स्टैट्स जो हैं, उसके बाद उसका मार्केट एनालिसिस करें, वहां पे रिजेक्ट करवाएं, वहां नहीं होती तो कीवर्ड एनालिसिस में रिजेक्ट करवा रहे हैं, तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है कुछ और, हम कंपेटिटर एनालिसिस की हम चीजें देख लेंगे। यहाँ से हम रिस्क फैक्टर देखेंगे कीवर्ड्स की बेस पे, ये हमारे कंपेटिटर्स इस सेंस में है कि ये मार्केट की जान है और मार्केट में सबसे ज्यादा सेलिंग ये कर रहे हैं, ये हाईएस्ट रेवेन्यू वाले हैं या हाईएस्ट रिव्यूज वाले हैं, लेकिन हम जो कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो हम टॉप 10 ऑर्गेनिक में से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कीवर्ड्स की गेम क्या चल रही है, और जो हम कह लें जो एंड एट द एंड जो हम कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट करते हैं जिसको हमने कम्पीट करना होता है वो हम टॉप 10 ऑर्गेनिक लेते हैं। वो किस तरह से लेंगे आप, सिंपली हीलियम 10 से इसके स्टैट्स डाउनलोड करें, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने अब इन कॉम्पिटिटर्स के चेक करने हैं, तो हम शीट उतने टूल से डाउनलोड हो जाए, यहाँ पर आप पैरामीटर्स लिख लें कि कौन कौन से हमने चेक करने हैं इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स के। अंदर आ जाएगा आपके पास, यहाँ तक आ गया, और आपने यहाँ पर इसके निकालना है इसका, सबसे ऊपर आ जाते हैं एसेंस, उसके बाद आपका यहाँ पे अपनी आसानी के लिए आप लिंक पुट कर लें, सेलर टाइप आ जाती है, सेलर टाइप, ब्रांड नेम, टाइटल, रिव्यूज, रेटिंग, करंट प्राइस, कंसिस्टेंट प्राइस, ग्रैंड
किरण, बीएसआर, के अलावा आप देख लें 6 मंथ का बीएसआर कर लें या इसको रहने दें, आप मंथली सेल्स कर लें और मंथली रेवेन्यू आ जाएगा आपका। के बाद आपके आ जाएगी रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम की रेशियो, ठीक है। स्पॉन्सर्ड करेंसीज इसको रहने दें, स्पॉन्सर्ड करेंसीज भी कर लेते हैं। टॉप कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद एज आ जाती है आपकी, वेरिएशंस आ जाती हैं, खत्म। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आ जाता है कहाँ से, एलियम 10 से। उसके अलावा कुछ हम इसके स्पेशल फीचर्स भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। लास्ट में जो हम पहले जो स्टार्ट शीट करते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। और इसमें सिंपली आपने क्या करना है, आपने डाटा कॉपी करना है, एस इन, सेलर टाइप, ब्रांड नेम, ठीक है, रिव्यूज, रेटिंग, करंट प्राइस, बी एस आर, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, आपके हीलियम के स्टैट्स के अंदर। हीलियम के स्टैट्स के अंदर आपने सिंपली क्या करना है, सिर्फ आपने फिल्टर करना है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ फिल्टर करेंगे आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और इसकी शीट डाउनलोड कर लेंगे विदाउट एनी सॉर्टिंग। मार्केट एनालिसिस के लिए जैसे हमने शीट डाउनलोड की थी, वही शीट आपके पास पड़ी है तो उसी को यूज कर लें। मेरे पास नहीं पड़ी हुई, वो भी यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। ये आपके पास वही वाली शीट एज इट इज डाउनलोड हो गई। सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था, आप इसको सेव एज एक्सेल वर्कबुक कर लें। यहाँ पे आप वही आपने सब कुछ किया होगा, एक इंसर्ट कर लें कॉलम सीरियल नंबर का, तो 1, 2, 3 हमने क्या क्या यहाँ पे लेना है। सबसे पहले हमारे पास है वहाँ पे एस इन, यही जो इसकी रैंकिंग है ना, जो ऑर्गेनिकली रैंक जैसे इनका हुआ हुआ है, आपने इसी से अपने अपने स्टैट्स यहाँ से कॉपी करने हैं। एस इन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। एस इन सेलर, अच्छा ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा ऑर्डर का डिफरेंस आ रहा है। एसिन आपने लिखा हुआ है, उसके आपने 10 एसिन ले लेने हैं, 10 एसिन कॉपी करेंगे। ठीक यहाँ पे आके सेव पेस्ट एज, ये आ रहा है आपके पास ट्रांसपोज का ऑप्शन, ठीक है, पेस्ट एज ट्रांसपोज करेंगे, जो वहां पर कॉलम में था वो यहाँ पे रो में आ गया। मैथ वालों को पता होगा ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए हरकतें करते थे। और अगर ना, अगर मैं आपको यहाँ पर ये ना बताता
यह है कि आपने डाटा यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और आपको एक्सेल करना खोलना पता होता तो आप एक एक ऐसे उठाते उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे होते, तो जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग निकालने का काम था उससे ज़्यादा काम आपका यहाँ पे हो जाता। ठीक है, उसके बाद आ जाती सेलर टाइप। सेलर टाइप फुलफिलमेंट आ गई, ये हमने सेलर टाइप निकाली 10 एसेंस की, कंट्रोल सी। यहाँ पे आपने यहाँ के पेस्ट एज ट्रांसपोज, ब्रांड नेम। अभी इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, वरना जो कुछ इसमें से एक्स्ट्रा हमने चीज़ें ऐड की हैं, वरना ये होता कि हम तरतीब से जो यहाँ पे हमने जो जो उठाने थे उनको इकट्ठा भी सिलेक्ट करके वहाँ पे लेके जा सकते थे। तो कोई नहीं, थोड़ी सी इतनी सी मेहनत आपकी बड़ी है, वरना पहले ट्रेंड यही था कि एक एक चीज़ कॉपी पेस्ट होती थी इंजीनियर के आने से पहले पहले। ब्रांड नेम आ जाता है, कंट्रोल सी, तो आप यहाँ पे पेस्ट एज ट्रांसपोज कर दें। टाइटल यहाँ पे, हाँ टाइटल भी होगा यहाँ पे, ये आपका प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, ये टाइटल ही है ना, टाइटल ही है। ठीक रिव्यूज रेटिंग करंट प्राइस, रिव्यूज क्या आ जाते हैं, मैं तीनों चीजें इकट्ठी ले रहा हूँ, प्राइस फिर आप क्या जाते हैं रेटिंग, और साथ में रिव्यूज बल्कि और भी सब सारी जो हमारी हैं एक्स्ट्रा चीजें वो बाद में देख लेते हैं। सिंपली आप इसको प्राइस को ले लें, सेल्स भी लेनी है हमने, रेवेन्यू भी लेना है, बीएसआर भी लेना है, इन सब को ले लें। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास रेटिंग और रिव्यू काउंट, सबको कॉपी कर लें एक साथ। यहाँ पे आके कंपेयर कर लेते हैं, बाद में जो चीज़ें रह जाएंगी उनको हम डाल देंगे। पेस्ट एज ट्रांसपोज कर दिया तो, और रेवेन्यू हमारे पास रह गया, रेवेन्यू देख लेते हैं, रेवेन्यू भी आ गया मंथली रेवेन्यू। कोई एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हुई होगी उसको हम कंपेयर कर लेते हैं। रिव्यूज रेटिंग करंट प्राइस नीचे आ जाएगी, कंसिस्टेंट प्राइस इसकी जगह हम लिख देते हैं कंसिस्टेंट प्राइस। और बीएसआर भी आ गया आपके पास, बाकी तकरीबन आपके पास चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, मंथली सेल्स भी आ गई। कंसिस्टेंट प्राइस किस तरह से देखते हैं, कंसिस्टेंट प्राइस देखने के कुछ मेथड्स हैं, आप उसके कीपर से देख सकते हैं या आप हीलियम 10 से देख सकते हैं। हम देख लेते हैं जो उनका टूल अवेलेबल है। हमने टॉप 10 उठाए हैं तरतीब से, ठीक है, वो इधर भी वही तरतीब होगी उनकी, चेक भी कर लीजिएगा, बेशक एसिन में को एसिन को कंपेयर कर लें। ये आपके पास आ गए, यहाँ पर आपको ग्राफ शो होगा हीलियम का प्रोडक्ट के नीचे, ठीक
और फॉर एग्जांपल आपने इसका लिंक पेस्ट करना है, एक चीज पीछे रह गई है, लिंक पेस्ट करना है इसका। सिंपली आप लिंक क्यों पेस्ट कर रहे हैं? आसानी के लिए, अपने बायर की आसानी के लिए, या जिसको आपने शीट चेक करवानी है उसकी आसानी के लिए। आप सिंपली यहाँ से जाएं, ये कंप्लीट पूरा लिंक कॉपी करें, ये वाला लिंक कॉपी करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। इससे ये होगा कि इसको यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक्स आ जाएंगे जो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर आ जाएगी कंसिस्टेंट प्राइस, वो आप कैसे देख सकते हैं? बीएसआर में भी देख सकते हैं। बीएसआर के अंदर आपका सेल्स रैंक और आपकी जो है ना प्राइस का दिखा रहा होता है। ये वाला कलर है लिस्ट प्राइस का। यहाँ पे आप देखें, आपको पता लग रहा होगा कि इसकी प्राइस कंसिस्टेंट क्या रही है। कंसिस्टेंट से मराद ये स्टार्ट से शुरू है और ये एंड तक इसकी प्राइस क्या जा रही है। ये आपके पास इसकी डेट आ रही है नवंबर 16 से फेब 18 तक, ये ईयर आ रहा है। ठीक है, ये मंथ के 3 मंथ्स का दिखा रहा है, ईयर आ रहा है। और ऑल ऑल का मतलब ये कि जब से ये लॉन्च हुआ है उसमें जाके आप इसकी कंसिस्टेंट प्राइस देख लें। कंसिस्टेंट प्राइस क्या कैसे देखेंगे? अब ये इसको कर्सर लेके आ रहे हैं, लिस्ट प्राइस आ रही है, शो हो रही है ब्राउन कलर वाला जो हमने इधर सेलेक्ट किया है, ब्राउन कलर में आपकी लिस्ट प्राइस शो हो रही है, जो 17.97 है इस टाइम। न्यू भी और लिस्ट प्राइस दोनों 17.97 है। यहाँ से आप देखेंगे कि ज़्यादा टाइम इसकी प्राइस कौन सी रही है। ठीक है, ओवरऑल थ्रू आउट द पीरियड जब से ये लॉन्च हुआ है अब तक इसकी प्राइस कौन सी कंसिस्टेंट रही है। फर्ज करें ये वाला पीरियड ज़्यादा देर चला है, ये इसको हम कंसिस्टेंट प्राइस ले लेंगे 17.97। ठीक है, इसके बाद इसको ऑल टाइम में जाके देख लें तो यहाँ से इसकी हम कंसिस्टेंट प्राइस देख सकते हैं। इधर जो ग्रीन कलर की लाइन है कि वो ही सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पर भी, इस टूल में भी। मतलब 17.97 ऐसी प्राइस है जिसपे इसने अपनी प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सेल की है। हम यहाँ पर आकर 17.97 इसकी प्राइस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम रेशो। ये डिस्कस कर लेते हैं अभी, फॉर्मूलाज आपको पता लग जाए उसके बाद इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। सिंपली रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम, ठीक है, सर्च वॉल्यूम इधर कौन सा आएगा? कंप्लीट जो आपका सर्च वॉल्यूम आपने निकाला है सारे कीवर्ड्स का, रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम आप उसका देख लेंगे। ठीक है, ये जो इस वैल्यू थी कैप्चर सर्च वॉल्यूम के, रेवेन्यू ओवर कैप्चर सर्च वॉल्यूम आपने निकाल लिया इसका, इसी तरह से इसका भी निकाल लें। जो इसका रेवेन्यू है डिवाइडेड बाई कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम। उसके बाद स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज, स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज क्या होंगी? स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज ये होती हैं कि ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पोजीशंस पर कहाँ कहाँ आ रहा है, ये कितनी दफ़ा आ रहा है ये प्रोडक्ट, ये ऐसे जो है स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज इसकी कितनी है। और मतलब आप ये कह लें इनका आप टॉप 4 पेजेस पे देखें, ठीक है, या टॉप 4 पेजेस पे या एंड तक देखें, आपको पता लगे कि ये स्पॉन्सर्ड कहाँ कहाँ पर रैंक है। क्लियर हुआ? टॉप पेजेस पे, टॉप 4 या टॉप 10 पेजेस पे आप कीवर्ड सर्च करेंगे ना, मेन कीवर्ड्स, ठीक है, आप देखेंगे कि कितने कीवर्ड्स पर स्पॉन्सर्ड में आ रहा है, स्पॉन्सर्ड कहाँ कहाँ अकर हो रहा है। जब हम ऊपर चेक करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आ रही होती है ना, फर्ज करें ये देखें एंड पर भी आती हैं, मिक्स होती हैं, टोटल ऊपर 4 आ रही होती हैं कभी, ये देखें ये स्पॉन्सर्ड है ना। और ये आपको एसिन से पता लग जाएगा कि एसिन देखेंगे कि ये वही वाला प्रोडक्ट है, तो स्पॉन्सर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है। एक पेज पर, एक कीवर्ड पर एक ही दफ़ा स्पॉन्सर्ड अकरेंसी होगी ना उसकी,
क्लियर है, ये भी मेहनत होगी आपकी। आप सब कीवर्ड्स पर चेक करेंगे कि ये वाला एसिन कितने कीवर्ड्स पर स्पॉन्सर्ड रैंक पे बैठा हुआ है। आ रही है समझ? नहीं आ रही। हमने ये सर्च किया, एक कीवर्ड सर्च किया, टोटल थे हमारे पास 54 कीवर्ड्स। हमने एक कीवर्ड सर्च किया, एक एसिन को टारगेट किया, पूरे पेज पर देखेंगे कि ये इस पर रैंक है या नहीं है। फर्स्ट पेज पर ही देखें, मैनुअल देखना है, ठीक है। आप सेकंड कीवर्ड पुट करें, फिर देखें फर्स्ट पेज पर, सिर्फ फर्स्ट पे देख लें आप। फर्स्ट पेज पर ये कीवर्ड, ये प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर रैंक है या नहीं, रैंक कौन सा, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड में आ रहा या नहीं आ रहा, उसमें भी देख लें। जो भी ऑर्गेनिक के अलावा कुछ भी है उसमें आपने देखना है पहले पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इस तरह से आप काउंट करेंगे। फर्ज करें ये प्रोडक्ट जो है, कहाँ गया, मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ये 10 आ गए, फर्ज करें 10 कीवर्ड्स पर, 54 में से 10 कीवर्ड्स पर ये स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है। ऑर्गेनिकली तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनिकली तो ये 100 के 100 पर आ रहा था। स्पॉन्सर्ड जब आ रहा होता है तो दो लिस्टिंग होती है ना, कभी ऐसे भी होता है कि जब आपका ऑर्गेनिक रैंक भी उसी पेज पर कर रहा होता है और स्पॉन्सर्ड भी उसी पेज पर होता है, ऊपर आपका स्पॉन्सर होता है, नीचे आपका ऑर्गेनिक होता है। ये होता किस तरह से है, जब आप आपकी जब स्पॉन्सर्ड रैंक जैसे जैसे इम्प्रूव करता है, आप उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी बिड्स इंक्रीज करते रहते हैं या वहीं पर बैठे रहते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो ऐसा ऐसा, पहले आपका ऑर्गेनिक रैंक 54 पेज पे था या थर्ड पेज पे था, आप वहीं पे बैठे रहेंगे आप स्पॉन्सर्ड, और आपकी प्रोडक्ट रैंक होते 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 फर्स्ट पेज पर आ जाएगी, ठीक है। पीपीसी की बातें हैं, पीपीसी और पीपीसी के अंदर आप जितने भी कीवर्ड पर कंपेन चला रहे होते हैं, हर कीवर्ड पर डेली 4 दफ़ा चेक करना होता है कि अब हमारा प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर हमने इतने की $2 की बिड लगाई हुई है, अब कहाँ पर आ गया, अच्छा नई रैंकिंग इम्प्रूव हो रही, बिड इंक्रीज कर दी, अब कहाँ पे आ गया, दो दो घंटे बाद देख रहे हैं, सुबह 10 सेंट से शुरू होंगे, शाम तक बिड इंक्रीज करते करते दो, फॉर एग्जांपल $2 तक आएंगे, पता लग जाएगा कि इस प्राइस के ऊपर हमारी बिड, इस इतने बिड इंक्रीज करने से हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो रही है, नेक्स्ट डे हम उसको उतनी बिड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा स्पॉन्सर्ड करेंसीज हो गई, यहाँ पे आ गई एज, एज कहाँ से पता चलेगी आपको, सिंपली डेट ऑफ उसकी, उसकी डेट ऑफ क्रिएशन जो होती है, ये आ गई अक्टूबर 2012, मतलब ये 10 साल पुराना है, इसको आप लिखते हैं 10 इयर्स लिखते हैं, ये सिंपल वो डेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद वेरिएशंस मैं आपके सारे इनके बताता हूँ, एक एक चीज किस तरह से हमने चेक करनी होती है। वेरिएशंस कितनी है इसके अंदर, C11 ऑप्शंस, मतलब टोटल इसकी 11 वेरिएशंस हैं, टोटल 11 वेरिएशंस हैं। ये देखें मुख्तलिफ साइजेस हैं इसके अंदर, हर साइज की डिफरेंट आ रही है, टोटल आपके पास 11 वेरिएशंस आ गई। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर की बात आ जाती है, 8.57 ऑफ 10, ये हीलियम 10 बता रहा था कि इसकी 10 में से नंबर दिए कि इसकी लिस्टिंग कितनी अच्छी है, 8.57 लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर लिख दिए। स्पेशल स्पेशल फीचर्स के अंदर हम कुछ बता सकते हैं इसकी लिस्टिंग देख के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर वो कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दे रहा है इसके साथ, कोई उसने पिज़्ज़ा ब्लेड दे दिया है, या कोई एक वैल्यू एडिशन का फैक्टर ऐड किया, कोई एक वैल्यू ऐड किया, तो हम स्पेशल फीचर्स के अंदर लिख देंगे कि ये बंदा बाकियों से हट के ये काम भी कर रहा है। क्लियर है, स्पेशल फीचर्स के अंदर क्या आ जाएगा कि ये बंदा बाकी सेलर से हटके कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम कह लेते हैं प्रोवाइडिंग ब्लेड। अच्छा अब देख लेते हैं वन बाय वन सब चीजों को, ये आपने डाटा फिल करना है सबका, टॉप 10 का जब आप फिल कर लेंगे इन सब का, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, अपना कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करेंगे। हमने पहले देखा कीवर्ड्स के थ्रू कॉम्पिटिटर कौन सा होता है, लेकिन जब हम लॉन्च करने जा रहे होते हैं हम टॉप 10 ऑर्गेनिक में से कोई अपना कॉम्पिटिटर सेलेक्ट करते हैं,
कि हमने टॉप 10 के अंदर आना है। अगर टॉप 10 के अंदर ये बंदा, अब देखेंगे सबसे पहले आ जाएगा दो चीजों का कंपैरिजन, आपका सेल्स का और रिव्यूज का। काफी सारे कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन आ जाता है सेल्स का और रिव्यूज का। हमें चाहिए रिव्यूज कम वाले सेलर्स, 87, 51, इसके तो 0 है, अच्छा 104, मतलब करीब करीब के लोअर रिव्यूज वाले। लोअर रिव्यूज से क्या मुराद है कि 284 इसके रिव्यूज है ना, अमेजोन का एल्गोरिदम कहता है, और होता है रिजल्ट इससे भी कम है। अमेजोन का एल्गोरिदम कहता है कि आपके जो 100 सेल्स हुई है ना, 100 कस्टमर्स ने आपकी प्रोडक्ट बाय की है, उसमें से 4 रिव्यूज देते हैं, लेकिन 4 भी नहीं देते, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह चल रही होती है रेशो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है, कोई प्रोडक्ट ही ऐसी है आप कह लें, कोई जिस तरह से वो टॉय है या वो स्ट्रेस रिलीजिंग टॉयज हैं उस तरह की प्रोडक्ट है, कोई और प्रोडक्ट है जिसने वो कस्टमर को ज़्यादा ही खुश कर दिया, निशीज है ना। अब जिसने फ्राइंग पैन लेना है, वो तो ज़रूरत है, वो आके फ्राइंग पैन लेगा चुप करके, काम करेगा, उसको यूज़ करेगा, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो रियूज दे। इसी इसलिए ये वेरी कर रही होती है हर केस के अंदर। आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे, जिसके रिव्यूज कम है, फर्ज करें ये 87 वाला है, इसकी सेल्स कितनी है, 1200, अच्छी सेल्स है, मंथली रेवेन्यू 29,000 बना रहा है, और ये 217 इसके ये हैं, 284 हैं, लेकिन इसकी सेल इतनी है, रेवेन्यू सॉरी इसका इतना है। फिर इसके रिव्यूज देख लें, 51 है इसका रेवेन्यू हिसाब से इतना है। अब ये चीज़ें हमें क्या क्या बता रही हैं, पॉइंट्स नोट कर लें। अब ये आपको कंपैरिजन क्या बता रहा है, सिर्फ रिव्यूज़ और अगर हम रेवेन्यू का कंपैरिजन करें कि ये देखें 87 रिव्यूज़ हैं, इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है। प्राइस हम दो को कंपेयर कर लेते हैं, 87 वाला और ये 51 वाला। ये कलीम भाई आपकी स्क्रीन से कुछ लाइनिंग हो रही है, इसको कलीम भाई ये लाइंस कुछ लग गई हैं यहाँ पर, ये अगर मिटती हैं तो मिटा दें इनको, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, सफ़ी से पूछ लें किसी से, इनको इरेज कर दें ज़रा। अच्छा, कंपैरिजन के दौरान आप देखें, हमने देख लिया कि इसके रिव्यूज़ कम है, इसकी सेल रेवेन्यू इतना था या मंथली सेल्स इतनी थी, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। इससे हमें एक बात तो ये पता चल जाएगी कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनमें रिव्यूज़ कम है, रेवेन्यू अच्छा है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगी जिनमें रिव्यूज़ ज़्यादा हैं लेकिन रेवेन्यू कम है, ठीक है, उसमें उसकी प्राइस डिफरेंस हो सकता है। उसमें ये हो सकता है कि जिन बायर्स ने प्रोडक्ट ली है उनको प्रोडक्ट पसंद आई है और उन्होंने रिव्यूज दिया है, ठीक है, उन्होंने रिव्यू दिए हैं। अब एक एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये 87 काउंट इसके रिव्यूज़ हैं और इसने यहाँ पर 87 रिव्यूज़ के साथ इसने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 29,000, और सेम इधर अगर आप देखें 29,000 रेवेन्यू और इसके इसके रिव्यूज़ हैं 692। दो फर्क हो सकते हैं, प्राइस दोनों की सेम है, कस्टमर्स ने यहाँ पे चूज़ किया होगा। मैंने आपको बात की कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कस्टमर ने बाय की, उसको अच्छी लगी, उसने रिव्यू दे दिया। इन दोनों का देखें, एक के रेवेन्यू दोनों का रेवेन्यू सेम है, रिव्यूज़ कम है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि एक पहले का बैठा हो, मंथली रेवेन्यू शो हो रहा है ना, पहले का बैठा हो और ये बाद का बैठा हो, इस फैक्टर को निकाल के हम, ये भी एक फैक्टर यहाँ से निकलता है कि उसकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है या उसकी प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू ऐड कोई हुई हुई थी कि कस्टमर ने, अच्छा फर्ज करें हमने एक थैंक यू नोट साथ में दे दिया है, एक बंदा थैंक यू नोट नहीं दे रहा, एक बंदा थैंक यू नोट दे रहा है या पिज्ज़ा प्लेट दे रहा है, और थैंक यू नोट में वो आपका फीडबैक मांग रहा है, सिंपल उसने फीडबैक मांगा या आपका थैंक यू किया है कि आपने हमें हमारी प्रोडक्ट बाय की, तो ये लाइंस जो हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी, उसका जो थैंक यू कार्ड है वो आके आपको रिव्यू दे देगा। यहाँ से हम ये फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि ये सेलर अगर रेवेन्यू ज़्यादा बना रहा है और ये रिव्यूज़ भी ज़्यादा ले रहा है, मतलब ये मार्केट में स्टेबल जल्दी हो रहा है,
तो इसकी प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी चीज है, हम उसकी प्रोडक्ट ओपन करके वहां से आइडिएशन कर लेंगे कि इसका ये डिजाइन एक्स्ट्रा था बाकी सेलर से, या इसके अंदर ये वाली जो स्पेसिफिक इसने वैल्यू ऐड की है या एक पार्ट एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी है, साथ में पिज्जा प्लेट वो दे रहा है, तो ये वैल्यू एडिशन उसने कर दी है। ये कंपेरिजन से हम ये चीजें देखते होंगे। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम। ठीक है, रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम क्या होगा कि आपका रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम की रेशियो आप निकालेंगे, उससे क्या देख रहे हैं हम कि एक सर्च वॉल्यूम एक ने ज्यादा कैप्चर किया हुआ है। अब ये देख लें, ठीक है, इसने सर्च वॉल्यूम ज्यादा कैप्चर किया हुआ है और इसका रेवेन्यू की परसेंटेज क्या है। इन दोनों कंपैरिजन से हम क्या देखेंगे, अब ये देखिए, ये एक फैक्टर आ रहा है, ये एक फैक्टर आ रहा है, ये होगा कि कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, इसने सर्च वॉल्यूम ज्यादा कैप्चर किया हुआ है लेकिन इसका रेवेन्यू कम है, बजाय इसके बनिस्बत इसके इसने सर्च वॉल्यूम थोड़ा कैप्चर किया हुआ होगा और इसके रेवेन्यू ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? वही वाला कंपैरिजन यहाँ पे लेके आए आप कि कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं हम कि इस प्रोडक्ट ने इतना सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया हुआ। हम दो किसी और की एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनका बनता हो, ये देख लें, ज्यादा ही है। अच्छा, इसमें भी ज्यादा है। अब ये देखें, एक हमारा ये है कॉम्पिटिटर, ये वाला, ठीक है, और इसके साथ वाला एक हम देख लेते हैं लेफ्ट वाला। अब सर्च वॉल्यूम, कैप्चर सर्च वॉल्यूम इसका है 8,000 और इसका रेवेन्यू बन रहा है 14,000। साथ वाले का है 7,000 और उसका रेवेन्यू बन रहा है 29,000। आ गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक ने सर्च वॉल्यूम ज्यादा कैप्चर किया, और सर्च वॉल्यूम ज्यादा कैप्चर करने का मतलब क्या है, वो ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक है, ज्यादा कीवर्ड्स पर रैंक है लेकिन उसका रेवेन्यू कम है, उसकी सेल्स कम है। दूसरा लो सर्च वॉल्यूम कैप्चर करके बैठा है और वो सेल्स ज्यादा ले रहा है। यहाँ पर भी हम पॉइंट निकाल लेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो ये सेलर है, वो कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है कि उसकी जो है ना प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स ले रही है, ज्यादा रेवेन्यू ले रही है। क्लियर हो गया कीवर्ड्स की गेमन? हाँ, अब इसके अंदर फर्क आ जाएगा। कीवर्ड्स पर रैंकिंग हो गई, उसने सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया, इसका मतलब है कि वो इन कीवर्ड्स पर रैंक है, लेकिन रैंक होने के बावजूद उसकी फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह का है या उसकी लिस्टिंग ऐसी है कि जब कस्टमर ने देखा उसको जो पिक्चर थी वो आई कैचिंग लगी, बनिस्बत उसके जो साथ वाला था वो उसकी पिक्चर उसको आई कैचिंग लगी, उसने वो बाय कर ली। ये आपकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर की बात आ जाएगी कि किसकी लिस्टिंग ज्यादा अच्छी बनी हुई है, कि कस्टमर देखते ही कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर आपको आपका जो हीलियम है वो इस काफी फैक्टर्स की बेस पे निकाल रहा होता है, उसमें आपके कीवर्ड्स कितने यूज किए हुए हैं। जो आपका हीलियम 10 है या सेरिब्रो, स्क्रिबल्स में हम जाके चेक करते हैं, बाद में लिस्टिंग की बात है। मतलब अमेजॉन हीलियम 10 आपकी लिस्टिंग क्वालिटी चेक कर रहा था कि कितने कीवर्ड यूज किए हैं, कितने इमेजेस हैं, इमेजेस की क्वालिटी क्या है। इन बेसिक फैक्टर के ऊपर आपकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर होता है। हम ये कंपेयर कर लेंगे कि इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर अच्छा है। फिर उसके बाद वेरिएशन आ जाती हैं या इसके स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, तो वो भी हम लिख के जब हम कंपेयर करेंगे हमें पता लग जाएगा। अच्छा, ये वाला सेलर है, ये हीलियम दिया होता है, यहाँ पर ये आ रहा होता है, निकालना नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें ये देख लें, ये जब आप इसको एक दफ़ा जाके पढ़ेंगे, यहाँ पे इसने सारा क्राइटेरिया दिया हुआ कि क्या क्या चीज़ ये कंसीडर कर रहा है लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर निकालते हुए। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आ जाती है बात अब स्पेशल फीचर की या वेरिएशन की। एक सेलर है, वो रेवेन्यू अच्छा कमा रहा है, उसकी वेरिएशन भी 5-7 हैं। ठीक है, दूसरा सेलर है, वो रेवेन्यू उससे कम कमा रहा है और उसको देखते हैं उसकी वेरिएशन कम है, तो इससे हमें क्या आइडिया होगा कि अगर हम इस प्रोडक्ट के अंदर अच्छी या ज्यादा वेरिएशन के साथ जाएं, कस्टमर्स को ऑप्शन दें कि ये भी है हमारे पास, ये वेरिएशन भी है, तो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, सेल ज्यादा होंगी। तो ये भी हम फीचर ऐड करते हैं। स्पेशल फीचर की बात आ गई, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी लिस्टिंग के अंदर, आपकी फर्स्ट इमेज के अंदर आपने कहा वो हम पिज्जा प्लेट भी दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग पिज्जा पील दे रहे हैं, आप साथ में पिज्जा प्लेट भी दे रहे हैं, तो ये चीज भी आपको वैल्यू ऐड करेगी। आप देखेंगे कौन कौन लोग क्या क्या वैल्यू ज्यादा ऐड कर रहे हैं बाकी मार्केट से, और उनकी इस वैल्यू एडिशन का आपकी जो है सेल्स पर या आपके रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो
ये कंपेटिटर सिलेक्शन तो एक कह लें इसका एक पार्ट हो गया, कंपेटिटर्स तो आपने सिलेक्ट कर लिए, उसके अलावा आपकी सारी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं लिस्टिंग के वो आपके सामने आ जाएंगे, किसकी लिस्टिंग अच्छी है और उसका उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, किसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन एक क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या फीचर्स ऐड कर रहा है तो उसको उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये सारा आ जाता है आपके कंपेटिटर सिलेक्शन के अंदर, कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर। तो ये आपके तकरीबन स्टार्ट शीट कंप्लीट हो गई है, कुछ चीज़ें अभी भी हैं लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी है और यहाँ तक हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है सिंपली आपने इसके अंदर, वो मुश्किल नहीं है कुछ, काफ़ी सारा डाटा तो आपका वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट कॉलम को कॉपी करेंगे, यहाँ आके पेस्ट एज ट्रांसपोज करेंगे, उनको पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इनको कंपेयर करके जो लो रिव्यूज़ वाले हैं अच्छी सेल्स वाले हैं उनको अपना कंपेटिटर्स ट्रैक करेंगे, इन ए सेंस कि अगर ये लोग भी इतने रिव्यूज़ के साथ, ये लोग भी इतने रिव्यूज़ के साथ अगर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम भी इन इतने रिव्यूज़ ले आएँ, या स्टार्ट के अंदर PPC चला के गिव अवे करके कुछ भी सोशल मीडिया मार्केटिंग या कुछ भी करके हम अपने इतने रिव्यूज़ जनरेट कर लेते हैं तो हम भी इतनी सेल्स ले सकते हैं। एक और पॉइंट आगे ध्यान में, आपका जो कस्टमर होता है वो 100 को और 100 से लेके 999 रिव्यूज़ को एक ही कंसीडर कर रहा होता है, सही है ना। जो प्राइस जब आप लिखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, आप बैनर पे देखें उन्होंने 1000 रुपये की कोई चीज़ है ना, उन्होंने लिखा होगा 999, ठीक है, वो एक डिजिट डिजिट नहीं बढ़ रहा होता, इस वजह से वो चीज़ छोटी लग रही होती है। अब इसी कंपैरिजन को एक राय है ये कि आप इसी कंपैरिजन को यहाँ पर देखें कि 100 से लेके 999 तक डिजिट तो 3 ही है ना, तो जो 1000 से ऊपर क्रॉस करेगा उसका फिर होगा कि वो समझेगा ये 1000 से ऊपर निकल गया, या फिर वो इस दरमियान वालों को सबको बराबर ले रहा होगा, ये भी एक पॉइंट है। मतलब इस तरह से आप कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं, कंपेटिटर सिलेक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको लिस्टिंग की बातें मजीद पता चल जाएंगी, कौन सी किस क्वालिटी की लिस्टिंग का क्या बेनिफिट हो रहा है उसको, और उसके अलावा क्या वैल्यू एडिशन से क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या उसकी सब चीज़ें आपको, ये जब आप कंपेरिजन करेंगे, स्पेशल फीचर्स हो गए, वेरिएशन हो गई, कंसिस्टेंट प्राइस हो गई। अच्छा, कंसिस्टेंट प्राइस की अब आपने सबकी लिख ली, ठीक है, आपको पता चलेगा कि सब सेलर्स ज़्यादा टाइम क्या प्राइस पे सेल करते रहे हैं। इसके साथ आ जाएगा आपका BSR अभी के लिए यही ठीक है, वरना अगर आप 6 मंथ का भी BSR देखें, BSR और सेल्स को देख लेते हैं हम कीपा के अंदर, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू की उस नीश के अंदर, पहले से 10,000 प्रोडक्ट सेल हो रही थी, आप जब आए तो आप 10,000 एक बन गए, ठीक है, फिर आपकी लिस्टिंग लिया कंपेयर करेगा अमेजोन, लिस्टिंग आपकी पहले 5,000 से अच्छी है तो कुछ उस बेस पे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, आप उनसे ऊपर आ जाएंगे, फिर आपकी सेल्स देखेगा, सेल्स के साथ जितनी आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है BSR सेल्स से ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, जितनी सेल्स इंक्रीज होती जाएंगी आपका BSR इंक्रीज होता जाएगा, सेल्स इंक्रीज करने के लिए वही फिर आपकी लिस्टिंग अच्छी हो, आप रैंक हो प्रोडक्ट्स के ऊपर। अच्छा, और आ जाती है स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज, स्पॉन्सर्ड अकरेंसीज से क्या आइडिया होगा आपको कि किस किस कीवर्ड पर लोगों ने कंपेन चलाई हुई है, ठीक है, किस किस कीवर्ड पर कंपेन चलाई हुई है, और दो का जब कंपैरिजन करेंगे हम कि इन्होंने आपस में कंपेन चलाई है, इसने इन कीवर्ड्स पर चलाई है, इसने इन कीवर्ड्स पर चलाई है, कौन सा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहा है, वहाँ से हमें PPC के कीवर्ड निकालने का आइडिया हो जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स हम यूज़ करें तो ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं। ये इस अभी भी कुछ फैक्टर्स मिसिंग हैं इसके अंदर, आप BSR 6 मंथ का भी यहाँ पर लिख कर देखें, उसमें ये होगा कि आप देखेंगे कि पिछले 6 मंथ्स के अंदर अगर वो प्राइस इंक्रीज करता रहा है, इंक्रीज कर रहा था तो उसकी सेल्स डिक्रीज हो रही थी और BSR उसका इंक्रीज हो रहा था, ये फैक्टर्स भी आप देख लेंगे कि पिछले 6 मंथ के अंदर उसकी सेल्स का उसकी प्राइस से क्या रिलेशन रहा है और उन इन दोनों चीज़ों का उसके BSR पर क्या इफेक्ट पड़ता रहा है, ठीक है, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट को आप एनालिसिस करते जाएं, अगर आपने रैंकिंग करनी है, रैंक होना है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है और सेल्स अच्छी लेनी है तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर। एक लास्ट एक पॉइंट ऐड कर लें, मार्केट, हमने अभी तक क्या चीज़ सीखी कि आप मार्केट में देखते हैं, मार्केट एनालिसिस के अंदर जो ज़्यादा लोग सेल कर रहे होते हैं वो भी हम
वही हम सेल करते हैं, करना भी ऐसे चाहिए, रिस्क मिनिमम हो जाता है। तजर्बे भी कुछ आपको सिखा देते हैं। एक वीडियो देखी थी सरवास मीन की, उन्होंने ये बताया कि एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, प्लायर प्लास जो होता है, वो दो कलर में सेल हो रहे हैं, जो वायर्स के कलर होते हैं ब्लैक और रेड के अंदर सेल हो रहे हैं, पूरी सब पेज पर ना ब्लैक रेड सेल हो रहा है। एक सेलर आया जो उसकी ग्रिप का कलर था, एक सेलर आया उसने ब्लू लिस्ट कर दिया। अब वो पूरे पेज में एक चीज अलग नजर आई ना, कस्टमर आ गए उनको उसको खरीदने लग गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, कलर चेंज करके, फ्लॉप भी हो सकती थी लॉन्च, कि लोग अगर वो कलर लेने हैं ये ना चलता, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया इससे, सेल बूस्ट करके सबसे ऊपर आके सबसे ज्यादा सेल्स लेने लग गया वो। इस तरह के पंगे हैं, मतलब तजर्बे हैं, है तो रिस्की लेकिन अगर चक्का लग जाए तो इस तरह से हम चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। आपकी स्टार्टशीट यहीं से कंप्लीट है, हम एक लेक्चर और करेंगे अपनी क्लास के लिए स्टार्टशीट का एडवांस, जिसमें अभी भी जितना का आज कुछ कुछ चीज़ें देखी इतनी चीज़ें और हैं, तो मतलब एक एडवांस आपका एनालिसिस हो जाता है। तो उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो लॉन्च करने का मज़ा भी आता है।